वो नौकरी देने वाली की राजनीति करने वाला स्वाहा, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला नरेंद्र मोदी की राजनीति स्वाहा, आजाद भारत का सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाली की राजनीति स्वाहा। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम चला रही है और बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियों को जनता से बता रहे हैं। इस बीच जदयू ने भी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अनोखा विरोध किया है। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल के जवाब में जदयू ने आज हवन किया है, 9 साल में बीजेपी के 9 कलंक को बताया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद को सनातन धर्म की बात करने वाली बीजेपी की सरकार में सबसे अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, देश भर में कई मंदिरों को बेरहमी से तोड़ दिया गया, वाराणसी में 150 शिवलिंग थाने की हाजत में बंद है, सनातन धर्म की बात करने वाले बीजेपी के दफ्तर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीट मुर्गा और मछली खिलाया गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी सनातनियों ने जो कलंक की गाथा लिखी है उससे देश को मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नीरज ने कोरोना काल में केंद्र सरकार की विफलता, अडानी मामला, 9 साल में सर्वाधिक मंदिर तोड़ने, पुलवामा में जवानों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराने, नए संसद का मामला, नोटबंदी मामला, अग्निवीर मामला, बिहार को विशेष राज्य का मामला और देश में व्याप्त बेरोजगारी को बीजेपी का 9 कलंक बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष में जनता को तरह तरह के वीडियोज के द्वारा अपनी उपलब्धियां बता रही है, लेकिन अब ऐसे में नीतीश कुमार के सिपाही कहे जाने वाले नीरज कुमार ने हवन करते हुए बीजेपी के 9 सालों के 9 कलंक को गिनाया है। उनका कहना है कि ये वो 9 कलंक हैं जो मोदी सरकार ने देश की जनता पर थोपा है, जिसके देश की जनता गर्त में चली गई है। अगर इसे रोकना है तो 2024 में निश्चित तौर पे मोदी सरकार को देश की जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी। नीरज कुमार ने साफ तौर पे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिरों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने तोड़ा है तो वो बीजेपी ने है, और बीजेपी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। साथ ही साथ नीरज कुमार ने नोटबंदी के मामले को भी बीजेपी के एक कलंक में गिना है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या बीजेपी अपने 9 सालों में जनता को कष्ट ही देती आई है।